हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मैथ्यू वर्मा चैप्टर 6 फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय अ रड एंड द सिस्टम इज स्लीपिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट बोथ द कॉन्टैक्ट्स इज म्यू। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है। और दो ब्लॉक एक रॉड से कनेक्टेड है और सिस्टम को एक इस इंक्लाइन प्लेन पर प्लेस कर दिया गया है। और इंक्लाइन प्लेन और दोनों मास के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालनी है और कितना फोर्स रड एग्जर्ट कर रहा है ब्लॉक पर वो निकालिए, ठीक है। तो वो जो दिया हुआ, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू, ठीक है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आर बी लेट आर बी द फोर्स exerted by the rod, force exerted by the rod on one of the blocks, ठीक है, या on the blocks, दोनों पे सेम ही होगा, on the blocks। और acceleration भी निकाली तो वो भी हम assume करते हैं, and a be the acceleration acceleration of the system down the incline, ठीक है, down the incline। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम एक्सेलरेशन और जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है रड दोनों मास पर वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोनों ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करते हैं। तो पहले हम M1 का मोशन लेते हैं, मोशन ऑफ M1, ठीक है। तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक, इसकी मास दी हुई है M1। तो ब्लॉक का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, M1G। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा अप द नॉर्मल टू द इंक्लाइन, तो इसे हम N1 लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए डाउन द इंक्लाइन मोशन है, इस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन दिया है A। तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन F1 इक्वल टू म्यू N1 हो जाएगा, ठीक है। अब M1G के कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक करेंगे, चलिए पहले लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या फोर्सेस है। फोर्सेस ऑन M1 आर, पहला फोर्स आपका हो जाएगा, देखिए वेट M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स और हमने मिस कर दिया यहां, देखिए इस फिगर में कितना फोर्स जो है आपका रड एग्जर्ट कर रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, तो ये हमने एज्यूम किया आर, ठीक है। दूसरा फोर्स हो गया आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फोर्स N1 नॉर्मल टू द इंक्लाइन, ठीक है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन। थर्ड फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स F1, फ्रिक्शन फोर्स F1 इस ये हो जाएगा म्यू टाइम्स N1 अप द इंक्लाइन, और फोर्स बाय रड हो जाएगा, फोर्स फोर्स आपका फोर्स बाय रड आर
टोर्स बाय रॉड आर, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। अब देखिए M1G का अगर हम कंपोनेंट ले नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगा हमारा M1G cos थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में M1G का कंपोनेंट M1G sin थीटा, ठीक है। टेकिंग फोर्स कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द इंक्लाइन, टेकिंग फोर्स कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द इंक्लाइन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन। देखिए यहां पर हमारा मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउन द इंक्लाइन, और नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे। तो एन वन इक्वल टू एम वन जी कॉस थीटा हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन वन एज्यूम करते हैं। अब देखिए हम डाउन द इंक्लाइन क्या क्या फोर्सेस है ले लेते हैं, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, टेकिंग फोर्स कॉम्पोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन। देखिए नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है एम वन जी साइन थीटा प्लस आर, आर भी डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स अप द इंक्लाइन तो माइनस न्यू एन वन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम वन ए, और एन वन की वैल्यू हम वन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ, तो एम वन जी साइन थीटा प्लस आर माइनस म्यू एम वन जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वन ए, ठीक है, ये हमारा है यूजिंग वन, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, चलिए, तो यहां से हम R निकाल सकते हैं। देखिए R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, R इक्वल टू एम वन ए प्लस म्यू एम वन जी कॉस थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा, और इसे हम इक्वेशन टू ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने देखा ब्लॉक M1 का मोशन, अब मोशन ऑफ M2, मोशन ऑफ M2, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। चलिए इंक्लिनेशन एंगल थीटा, ये हमारा हो गया M2 ब्लॉक, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, ठीक है, और रड इस पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एज्यूम कर लेते हैं M2, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेटेड ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है पूरे सिस्टम, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F2 इक्वल टू म्यू N2, ठीक है। चलिए फोर्सेस को लिस्ट कर लेते हैं, फोर्सेस आर क्या क्या फोर्स है, पहला आपका हो जाएगा एम टू जी डाउनवर्ड, ठीक है, दूसरा फोर्स आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम टू, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम टू नॉर्मल टू द इंक्लाइन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, ठीक है। थर्ड फोर्स आपका हो जाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F2 इक्वल टू म्यू टाइम्स N2 अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, और फोर्स बाय रड भी हो जाएगा, फोर्स बाय रड आर, फोर्स बाय रड
आर, ठीक है, किस डायरेक्शन में है ये, अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। चलिए यहां भी हम अगर एम टू जी का कंपोनेंट हम नॉर्मल के डायरेक्शन में लें तो एम टू जी कॉस थीटा हो जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां एम टू जी साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट ले लेते हैं, टेकिंग फोर्स कंपोनेंट, टेकिंग फोर्स कंपोनेंट नॉर्मल टू द इंक्लाइन, और नॉर्मल डायरेक्शन में मोशन है नहीं तो फोर्सेस बैलेंस कर लेगा एक दूसरे से, तो m2 जो हो जाएगा इक्वल टू m2 g, सॉरी यहाँ m2 g होगा, ठीक है, तो m2 g cos थीटा, ये हमारा इसे इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं, और टेकिंग फोर्स कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन, फोर्स कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन क्या क्या फोर्स है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम टू जी साइन थीटा, एम टू जी साइन थीटा, ठीक है, एम टू जी साइन थीटा, और आर को अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस आर हो जाएगा, और माइनस म्यू टाइम्स एन टू इक्वल टू एम टू ए, एक्सेलरेशन इसका भी सेम होगा, ठीक है, तो यहां हम एन टू की वैल्यू डाल देंगे, चलिए एन टू की वैल्यू डाल देते हैं थ्री को यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा एम टू जी साइन थीटा माइनस आर माइनस म्यू एम टू जी कॉस थीटा इक्वल टू एम टू ए, ठीक है, यूजिंग थ्री, यूजिंग थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ r हमें पता नहीं है और a पता नहीं है, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले r की वैल्यू टू से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलिए तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m2 g sin theta माइनस m1 a माइनस mu m1 g cos theta, ठीक है, प्लस m1 g sin theta, आर हो गया माइनस म्यू एम टू जी कॉस थीटा इक्वल टू एम टू ए, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन टू। चलिए ऊपर थोड़ा मूव कर लेते हैं, ठीक है, यहां से हम ए को एक साइड ले आएंगे, तो एम वन प्लस एम टू इंटू ए इक्वल टू म्यू एम वन जी कॉस थीटा और म्यू एम टू जी कॉस थीटा, तो ये दोनों एक साथ ले लेंगे, और एम टू जी साइन थीटा और एम वन जी साइन थीटा, ठीक है, एम वन जी साइन थीटा, तो म्यू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी साइन थीटा, एम वन प्लस एम टू इंटू जी साइन थीटा, ठीक है, अच्छा ये माइनस हो गए यहाँ, प्लस m1 प्लस m2, अच्छा g cos थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा नहीं है, तो g cos थीटा g cos थीटा ये माइनस के साथ है, प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए m1 प्लस m2 दोनों साइड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू g साइन थीटा, g कॉमन ले सकते हैं, तो g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया, तो इसे हम इक्वेशन 4 ले सकते हैं। चलिए अब हमें क्या r की वैल्यू निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू में, फ्रॉम इक्वेशन टू
इक्वेशन टू, टू से क्या था, आर इक्वल टू एम वन ए प्लस म्यू एम वन जी कॉस थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा, ठीक है, एम वन जी साइन थीटा। चलिए यहाँ ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एम वन ए को जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू एम वन जी कॉस थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा, ठीक है, ये यूजिंग फोर, ठीक है। इससे हमने ए की वैल्यू डाला, अब इसे ओपन कर लेंगे, देखिए एम वन जी साइन थीटा माइनस म्यू एम वन जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम वन जी, ये हमारा एम वन जी है, एम वन जी कॉस थीटा माइनस एम वन जी साइन थीटा। अब देखिए एम वन जी साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा और म्यू एम वन जी कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारा देयरफॉर आर इक्वल टू जीरो। और हमें फाइंड क्या करना था, आर ही फाइंड करना था और एक्सेलरेशन, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज ए इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एंड फोर्स बाय द रड ऑन द ब्लॉक्स इज फोर्स by the rod on the blocks is कितना है, जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।